गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण पाठ नंबर 11 पर्यायवाची। बच्चों आज हम बात करते हैं पर्यायवाची की। पर्यायवाची किसे कहते हैं? भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे अर्थ बताते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। देखिए बादल का क्या है, मेघ, जलधर, जलद, फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, नारी का महिला, स्त्री, औरत, सूर्य का रवि, सूरज, दिनकर। तो देखा बच्चों, एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आपको अभ्यास कार्य में और शब्द दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।